हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। वैसे तो मैं बहुत सारी ऐतिहासिक जगह जा चुका हूँ, पर मांडू शायद वो पहली जगह होगी जहाँ मैंने पहुँचते ही कहा था कि मुझे यहाँ फिर से आना है। मांडू की खूबसूरती है ही कुछ ऐसी, खास तौर से मानसून में मांडू जैसी खूबसूरत शायद ही कोई जगह होगी। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, मुगल सम्राट जहांगीर ने भी मांडू को देख करके यही कहा था। विंध्य माउंटेन रेंज के बीचों बीच बसा मांडू वैसे तो बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, पर इसके अलावा मांडू की सड़कें, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और लोग ऐसी कहानी बयां करते हैं जिसके बेसिस पे इसे सिटी ऑफ जॉय कहना ज़्यादा सही होगा। तो आइए जानते हैं मांडू की कहानी यहाँ के रूइंस की जुबानी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। इंदौर मांडू पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट और मेन रोड हेड है। अगर आप दिल्ली से मांडू जा रहे हैं तो आपको पहले इंदौर आना पड़ेगा, जहां से आप लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सी लेकर मांडू पहुंच सकते हैं। हम मांडू नोएडा से एक रोड ट्रिप पे गए थे, जिसमें हम नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे लेकर ग्वालियर होते हुए मांडू तक पहुँचे थे। मांडू में ठहरने के लिए काफ़ी सारे होटल्स और मध्य प्रदेश टूरिज्म के गेस्ट हाउसेज हैं, जहाँ पर आप कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। हमने चूंकि लास्ट मोमेंट पे प्लान बनाया था, इसलिए वी डिड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन इन मांडू। तो हमने मांडू में ठहरने के बजाय मांडू से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित महेश्वर में स्टे किया और वहां से वी ड्रोव टू मांडू। मांडू का पुराना नाम मांडवगढ़ है और ये ऐतिहासिक फोर्ट सिटी मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में विंध्य रेंज के बीच स्थित है। क्योंकि मांडू अच्छी खासी ऊंचाई पर है, पुराने समय से ही इसकी खूबसूरती और वेदर, खास तौर से ड्यूरिंग द मानसून, मालवा के राजाओं को आकर्षित करती रही है। मालवा की रूलिंग परमार डायनेस्टी से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों तक ने मांडू को एक मानसून रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किया और यहाँ ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए ही बनाए गए थे। इनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इंदौर हाईवे से मांडू तक जो सड़क जाती है वो मध्य प्रदेश के खूबसूरत छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजरती है। रास्ता बहुत ही सीनिक है और आप धीरे धीरे प्लेन से माउंटेन्स तक का सफ़र तय करते हैं। क्योंकि मांडू एक ऐतिहासिक शहर है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसको एक दिन में घूम पाना पॉसिबल नहीं है। आइडियली यू शुड हैव 3 days टू कम्प्लीटली एक्सप्लोर मांडू। मांडू के मॉन्यूमेंट्स को ब्रॉडली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक दिन में एक ग्रुप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप है रॉयल पेवेलियन ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मांडू विलेज ग्रुप और तीसरा ग्रुप है रूपमती पेवेलियन और उसके इर्द गिर्द के मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा मांडू में और बहुत सारे स्कैटर्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप इन 3 broad groups के साथ ही घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रॉयल पेवेलियन और वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो अभी मैं हूँ मांडू में, मांडू जिसको मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एंशिएंट फोर्ट्रेस सिटी है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। काफ़ी बड़ी साइट है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कई सेट्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई डायनेस्टीज की आपको यहाँ पे छाप मिलती है, जैसे कि आपके तुगलक डायनेस्टी हो गई, आपको मुगल डायनेस्टी का भी कुछ चीज़ें। रॉयल पेविलियन के जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वह हैं जहाज महल, जल महल, चंपा बावली, हिंडोला महल, नाहर झरोखा, गदाशाह पैलेस आदि। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये सारे मॉन्यूमेंट्स एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आसपास हैं, इसलिए इन्हें एक साथ घूमना आसान है। रॉयल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते ही जो सबसे पहला मॉन्यूमेंट पड़ता है वो है जहाज महल। जहाज महल 2 तालाबों मूज तालाब और कपूर तालाब के बीच जमीन की एक पतली पट्टी पे बना हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी के बीच में खड़े जहाज की भांति प्रतीत होता है और इसी वजह से इसका नाम जहाज महल पड़ा। 2 तल्ले ऊंची इस इमारत का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि ये महल गियासुद्दीन खिलजी का हरम था और शाही मेहमानों के ठहरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मुगल एम्परर जहांगीर ने अपने मेमोयर तुजुक एक जहांगीरी में मांडू में अपने और नूरजहां के स्टे के दौरान इस महल में शबे बारात के ओकेजन पे होस्ट किए गए रॉयल डिनर के बारे में लिखा है। इस महल के ऊपरी फ्लोर पे खूबसूरत छतरियां और रॉयल फैमिली के नहाने के लिए फ्लावर की शेप में बने हुए पूल्स हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं।
साथ ही साथ इस महल के ऊपरी माले से मूंछ तालाब और कपूर तालाब के नजारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। जहाज महल के बाद जो खूबसूरत और अनोखी इमारत दिखाई पड़ती है वह है हिंडोला महल। अभी मैं हूँ सामने खड़े हिंडोला महल के, और हिंडोला महल जो है वो टी शेप बनी हुई इमारत है, और इस इमारत की खासियत ये है कि ये जैसे कि पीसा की लीनिंग टावर है उसी के तर्ज पे बनी हुई इंडिया में इकलौती इमारत है। तो हिंडोला का मतलब होता है झूला, और ये जो मॉन्यूमेंट है वो एक झूलता हुआ इमारत है, सो टू स्पीक। सो अभी चलेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से कि कैसा है हिंडोला महल। हिंडोला का मतलब होता है झूला, और चूंकि हिंडोला महल की बाहरी दीवारें टी शेप में तिरछी बनी हुई हैं, ये इमारत दूर से देखने में एक झूले की तरह प्रतीत होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंडोला महल की बाहरी बनावट दो डिफरेंट लेयर्स में है। नीचे की लेयर सिंपल है और ऊपर की लेयर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को दर्शाती है। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि नीचे की जो लेयर है वो खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान्स ने बनवाया था, और क्योंकि उस समय ये स्टाइल एक इमर्जिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, इसकी कमियों की वजह से ऊपर का हिस्सा कुछ समय बाद ढह गया था। बाद में मुगल एम्पायर्स ने ऊपरी हिस्से का निर्माण मुगल शैली में करवाया, जो आज देखने को मिलती हैं। हिंडोला महल के बगल में ही स्थित हैं पैलेस रुइंस। वैसे तो यहाँ इतने सारे रुइंस हैं कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये इमारतें अपने प्राइम में कैसे दिखती होंगी, पर इन इमारतों की भव्यता ये दर्शाती है कि ये मालवा के सुल्तानों का शाही घर था। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि शायद मानसून में मांडू से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं होगी। इसके पीछे का कारण है कि मानसून में ये सारे रुइंस मॉस से कवर्ड हो जाते हैं, जो इस जगह को इस दुनिया से अलग तरह की ब्यूटी प्रदान करते हैं। पैलेस रुइंस में जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वह हैं चंपा बावली और हमाम। 14वीं या 15वीं शताब्दी में बनी हुई इस बावली का नीचे का हिस्सा अष्टभुजाकार यानी कि ऑक्टागोनल है, और ऊपरी हिस्सा गोलाकार। माना जाता है कि इस बावली के पानी से चंपा के फूलों की तरह खुशबू आती थी, और इसलिए इस बावली का नाम चंपा बावली पड़ा। इस बावली के चारों तरफ एक तहखाना यानी कि बेसमेंट है, जिसमें रूम्स हैं। माना जाता है कि ये रूम्स गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे, और इसलिए इनका इस्तेमाल शाही घराने के लोग अपने निवास के लिए करते थे। चंपा बावली से ही सटा हुआ शाही हमाम भी है, जिसमें ठंडे और गर्म पानी के लिए अलग अलग नालियों की व्यवस्था है। इस हमाम की छत में तारों के शेप के होल्स हैं, जिनमें से सूरज की रोशनी छन के आती है। शाही घराने के लोग लिटरली इस हमाम में सितारों की रोशनी के नीचे नहाया करते थे। पैलेस रुइंस के बगल में ही आपको दिलावर खान की मस्जिद देखने को मिलेगी। इस मस्जिद के आर्किटेक्चर स्पेशली इस पिलर हॉल को देख करके साफ पता चलता है कि ये इमारत पहले एक मंदिर थी, जिसे बाद में एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इनफैक्ट ये मस्जिद मालवा रीजन की पहली बिल्डिंग है जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई है। इस मस्जिद के बीच में एक चौकोर अहाता है, जिसके चारों तरफ पिलर बरामदे हैं, जिनकी सिमेट्री बहुत ही खूबसूरत है। दिलावर खान की मस्जिद के दक्षिणी कोने पर स्थित है नाहर झरोखा। बेसिकली ये झरोखा एक बालकनी थी, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने बनवाया था, जहां से वो जनता को संबोधित किया करते थे। पहले इस झरोखे के बेस के रूप में एक शेर की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसके नाम पे इस झरोखे का नाम नाहर झरोखा पड़ा, पर अब उस प्रतिमा के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। मूंछ तालाब के बीचों बीच स्थित है जल महल, जो मालवा में सुल्तान्स का मानसून रिट्रीट हुआ करता था। क्योंकि ये महल मूंछ तालाब के ठीक बीच स्थित है, बरसात के समय इसके चारों तरफ पानी भर जाता था, और इस महल को एक अनोखी खूबसूरती प्रदान करता था। करीब से देखने पर इस महल के आर्किटेक्चर में आपको काफ़ी फ्लोरल थीम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस महल की खिड़कियां जो बाहर से तो गोलाकार हैं, पर अंदर से फूलों की शेप में बनी हुई हैं। जल महल की हर चीज़ वाटर से रिलेटेड है, जैसे कि इसके सामने बने हुए झरने और फवारे। इस कॉम्प्लेक्स का लास्ट मॉन्यूमेंट है गदा शाह का महल। ये महल हिंडोला महल के ठीक सामने बना हुआ है। गदा शाह का शाब्दिक अर्थ है गरीबों का स्वामी। ये महल शायद चंदेरी के बुंदेला राजपूत सरदार मेदिनी राय को समर्पित है। दो माले ऊंचा ये महल वैसे तो अब मोस्टली रुइंस में है, पर इस महल की एक इंटरेस्टिंग फीचर है
एक्सेस वाटर को ड्रेन करने के लिए बने हुए दो एनिमल शेप्ड पाइप्स, एक पाइप है शेर के शेप में और दूसरा पाइप है मछली के शेप में। ये दोनों शेप्स इस पैलेस के ऊपर हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरी मांडू सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें हमने कवर किया रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स के मॉन्यूमेंट्स को। मांडू सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में हम कवर करेंगे मांडू के और भी बहुत सारे अनदेखे और बेहद खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को, और साथ ही सुनेंगे रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी को भी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट नोटिफाइड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।